हम लोग हर किसी के लिए एक बेहद खास सीरियल था, लेकिन कैसा रहा इस सीरियल के सितारों का एक्सपीरियंस जब वो ये सीरियल कर रहे थे, ये जानते हैं खुद उन्हीं की जुबानी, क्योंकि इस सीरियल को अब पूरे 30 साल हो चुके हैं। उपन्यासों पे कहानी लिखती थी, वो मतलब सादगी, वो अपनापन। अब आज के दौर में आपको लगता है जो भी सीरियल बनते हैं, या फिर एक और सवाल है मेरा कि हम लोग क्या फिर से बन सकते हैं? अभी क्या हो गया है कि जैसे पहले मनोज श्याम जोशी एक ही राइटर थे जो पूरे ग्राफ को लेकर चल रहे थे, पूरी कहानी को लेकर चल रहे थे। अब होता क्या है कि एक ही सीरियल को दो एपिसोड कोई और राइटर लिखता है, तीन एपिसोड कोई और राइटर लिखता है, एक एपिसोड कोई और, तो जान तो रहेगी नहीं ना, क्योंकि सब सिर्फ टाइम 20 मिनट कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। किसी को यह ध्यान नहीं है कि ये कहानी क्या है, इस कहानी की आत्मा कहां पर है। तो आत्मा मिसिंग होते ही कहानी बेकार हो गई। सबसे बड़ी बात यह होती थी कि ये लोग कहानी जो मनोज श्याम जोशी जी या उस लेवल के राइटर लिखते थे तो कहानी का अंत पहले लिखते थे, वो फिर कहानी शुरू होती, एंड पहले दिमाग में। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम लोग शुरू हुआ है तो सबसे पहले दिन जब हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, 52 एपिसोड के स्नॉप्सिस हमारे हाथ में थे। स्नॉप्सिस का मतलब आपको मालूम है? स्नॉप्सिस पूरे 52 एपिसोड के प्रोग्रेशन, कहानी का प्रोग्रेशन पता होता कि अब क्या, पूरी कहानी हमारे पास थी कि हम 52 तक ये करेक्टर किस तरह के ग्राफ में जाने वाला है। आज आप एक घंटे के बाद नहीं पूछ सकते एक डायरेक्टर से कि अगले सीन में मेरा क्या है। वो कहेगा आ रहा है स्क्रिप्ट, एक मिनट माफ कीजिएगा सीमा जी, अभी आ रहा है स्क्रिप्ट, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। जिंदगी बहुत सारी बदली होंगी हम लोगों के बाद, जैसे आप कह रही थी बहुत सारी फैन फॉलोइंग होती थी, बाजार में भी जाना होता था तो पुलिस की सहायता लेनी पड़ती थी आप लोगों को। बिल्कुल, बहुत, मैंने तो ऐसा वक्त जरूर देखा है, क्योंकि मैं तो गलती से, हमें तो मालूम भी नहीं था कि हम इतने फेमस हो जाएंगे, बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था, सच में बता रही हूँ। और आपको एक और इसके साथ जुड़ी हुई बात बताती हूँ बहुत जल्दी से, कि हम लोग जब सीरियल बनना शुरू हो रहा था और उसके लिए खोजबीन हो रही थी, तो मैं उस वक्त एक रेपेट्री कंपनी में काम करती थी, श्रीराम सेंट्रल रेपेट्री कंपनी में, जहां मुझे 600 रुपए महीना मिला करता था और मैं बहुत खुश थी उस नौकरी से, मैं बहुत खुश थी, थिएटर की नौकरी थी, रोज ड्रामे करने बहुत खुश थी मैं। अचानक से मुझे पता चला कि हम लोग जैसा एक सीरियल, एक सोप ओपेरा हिंदुस्तान में बनने जा रहा है और उसमें रोज शूटिंग होगी, तो मैं भाग गई। मुझे लगा ये मेरी नौकरी बर्बाद कराएंगे यार, इनका तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं चले ना चले, पर मेरी तो 600 रुपए की नौकरी वो चली जाएगी मेरे हाथ से। और आज सबके सामने मैं ये बता सकती हूँ आपको कि ये शख्स यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि नहीं कर लो सीमा, ये बहुत अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगेगा, फायदा होगा तुम्हें। तो मैं तब समझ के मैं दोबारा इस बारे में सीरियसली मैंने सोचा और मैं वहां गई, और मतलब मुझे लगता है कि कमाल ही हो गया था। एक ही रात में हमें नहीं मालूम था, और जब वो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ तब भी हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम रेगुलर शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग करते करते हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि हम बाहर इसका क्या असर हो रहा है। तो अचानक से 10-15 एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद अचानक से एक छुट्टी पड़ी और हम लोग अचानक से बाहर गए, और जैसे ही हम लोग बाहर गए तो हमने देखा कि अरे ये क्या हो गया, लोग हमें तो मतलब देख देख के पागल हो रहे हैं और मतलब भीड़ इकट्ठी हो रही है, हमें नहीं समझ में आया कि हम उसे टैकल कैसे करें, और हम भाग के आए, हमने कहा ये मतलब इनकी पॉपुलैरिटी का ये हाल था कि एकदम बाद में ये ऑडियंस की समस्याएं उनका सोल्यूशन दिया करती थी, इनके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि जो कैरेक्टर्स थे लोग रिलेट करते थे इन कैरेक्टर्स बिकॉज वो उनमें से थे। जहीर साहब को 1000 रुपए मिलते थे, आप कपड़े खुद के पहनते थे उस वक्त में? कपड़े तो अपने ही पहनने पड़ते थे, और अगर आपको भी और भी कोई जरूरत है, बैग वैग, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोडक्शन वाले आपको कुछ नहीं देंगे, जो एडिशन वो सब हमारी अपनी मेहनत थी। और हुआ यह था कि हमें गरीब दिखाया गया था, तो चार साड़ियां हमें कहा गया था कि हर एक्टर को चार चीजें ला सकते हैं, मतलब चार साड़ियां मुझे, चार साड़ियां जो मेरी माँ का रोल कर रही थी वो ला सकती थी, चार ड्रेस दिव्या। तो एक टाइम ऐसा आया कि हम पक गए थे वो चार साड़ियां पहन पहन के, तो हमें लग रहा था यार कैसे, और हम हैं भी औरत इतनी जल्दी मतलब कपड़ों से तो बोर हो ही जाती है, तो हमने उसका एक तोड़ निकाला था, हमने कहा माँ बेटियां तो आपस में बदल के पहन सकती है ना एक ही घर में, तो वो मेरी चार साड़ियां माँ पहनने लगी थी, उनकी चार साड़ियां मैं पहनने लगी थी, आखिर कुछ तो चेंज आए। लेकिन वो इतने पर्टिकुलर थे कि जब तक इस लड़की ने कमाना नहीं शुरू किया, जब तक मेरा इश्क जो है अश्विनी, डॉक्टर अश्विनी से नहीं हो गया, जब तक कि लॉजिकली मैं साड़ी नहीं खरीद सकती थी, मुझे नई साड़ी नहीं पहनने दी गई थी। ये कमाल था उस सीरियल का। हम लोग ने नींव रखी थी भारत देश में डेली सोप की, इतिहास में अमर है, और कहीं ना कहीं ये अमर जो हमारा शो है और यूं ही चलता रहेगा, और लोग कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये शो हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।